किसी को देख के when your heart skips a beat, या you feel butterflies in your stomach, और आपको ख्वाबों में वो आ रही है और सोच में वो आ रही है, हम क्या समझते हैं मुझे प्यार हो गया, लाले तेरे भाई को प्यार हो गया. लेकिन इन एक्चुअल दैट्स नॉट लव, दैट्स इन्फैटुएशन. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कि इन्फैटुएशन क्या है या मेरी एफिलिएशन क्या है या अट्रैक्शन क्या है उस औरत के लिए और असल प्यार मोहब्बत क्या होती है. दिस इज नॉट लव. लेकिन हम लोग उसको लव कह के, कुछ लोग आते हैं और कुछ उलमा से उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ लोग आए और एक प्रैक्टिसिंग ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि शेख आई एम इन लव विद दैट गर्ल. तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे आप बताएं वो कैसी हैं खातून. तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी हैं. तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और दीनदार है लेकिन वो दीन पे नहीं है. शी इज़ काइंड ऑफ जो कि अपना आप को कवर भी नहीं कर रही एंड शी लव्स म्यूजिक एंड पार्टिंग एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कह रहे हैं कि यू लव हर. कहते शेख वल्लाह बस आई व्हेन आई वर सी हर व्हेन आई वर लुक एट हर आई फील समथिंग इन माय स्टमक यू नो आई फील कि मुझे कुछ मुझे मोहब्बत है उससे. तो शेख ने कहा कि एक सवाल किया, उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं कि ये खातून आपके बच्चों की माँ बने. तो वो सोचने पड़ गए. उन्होंने कहा नहीं शेख ये इस हालत में तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों की माँ बने. तो उन्होंने कहा आपकी कंपैटिबिलिटी जीरो है. यू हैव नो कंपैटिबिलिटी एट ऑल विद दैट गर्ल एंड यू आर सेइंग यू आर इन लव. दैट्स नॉट लव, दैट्स इन्फैटुएशन जो कि कुछ टाइम में हुई है और फिर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी.